अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट 10 स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो इंशाल्लाह वी विल बी लुकिंग एट सम क्वेश्चंस फ्रॉम ईओवाई पेपर 1। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दीस क्वेश्चंस, सो वी विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस एंड वी विल आल्सो बी रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स इन दिस वीडियो। एज यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द पेपर 1 एंड पेपर 2 क्वेश्चंस ऑफ ईओवाई एग्जामिनेशन विद यू फॉर योर प्रैक्टिस। इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, यू कैन फाइंड द वीडियो ऑन द चैनल। The name of the video is Practice Questions. There are two separate videos. One video is for paper 1 questions and the second video is for paper 2 questions. So those of you who are interested in practicing the questions can find the video on the channel. And if you find any difficulty in solving any question, you can share the query with me. I will try to solve your queries as soon as possible. I have already shared the re-exam paper with you. So if you want to practice that paper, गो अहेड एंड फाइंड द वीडियो ऑन द चैनल। कुछ क्वेश्चन मैंने पेपर 1 के भी सॉल्व करके जो है वो चैनल पर डाले हुए हैं, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। इंशाल्लाह इस वीडियो में वी विल बी लुकिंग एट सम मोर क्वेश्चन, सो आई होप दिस वीडियो विल ऑल्सो भी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द क्वेश्चन। सोल्यूशन हैं आपके सामने, मैंने सॉल्व किए हुए हैं, थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं और थोड़ा सा सोल्यूशन को देख लेते हैं। सो वी हैव 3 क्वेश्चन इन दिस वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बेयरिंग। This is question number 18 of your EOI paper 1. The question is, we have 2 points A and B, and the angle is 60 degrees at B. The north is already drawn at B, and there are 2 parts in this question. The first part is I have to find the bearing from I have to find the bearing of A from B, and in the second part I have to find the bearing of B from A. सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बेयरिंग। थोड़ा सा बेयरिंग के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। बेयरिंग हमने डिस्कस किया था, बेयरिंग्स आर बेसिकली स्पेशल एंगल्स, एंगल्स होते हैं बेयरिंग, और ये स्पेशल इस वजह से होते हैं क्योंकि इनकी 3 प्रॉपर्टीज होती है ना। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ, ये हमेशा नॉर्थ से मेजर होते हैं। तो मतलब ये होता है कि हमें नॉर्थ बनाना पड़ता है। तो नॉर्थ बनता कैसे है? नॉर्थ इज वर्टिकली अपवर्ड। तो हमने ये चीज़ याद की हुई थी कि हमें जिस पॉइंट पे बेयरिंग चाहिए हमें उस पर नॉट बनाना पड़ता है, और नॉट क्या होता है? वर्टिकली अपवर्ड, मतलब हमें एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा नॉट बन जाता है। तो बेयरिंग्स आर स्पेशल एंगल्स। स्पेशल क्यों है? क्योंकि इनकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। द फर्स्ट वन इज दे आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ, ये हमेशा नॉर्थ से मेजर होते हैं। और द सेकेंड प्रॉपर्टी इज हमेशा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मेजर होंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी इनकी ये होती है कि दे आर ऑलवेज रिटन इन 3 डिजिट्स। ऑलवेज रिटन इन 3 डिजिट्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बेयरिंग का आंसर 20 मिल रहा है तो आई कैनॉट राइट 20, आई हैव टू एड 10 एट द बिगिनिंग, 020 विल बी माई आंसर, बिकॉज आई नो दैट बेयरिंग इज ऑलवेज रिटन इन 3 डिजिट्स। 3 नंबर्स की फॉर्म में हमें बेयरिंग लिखनी पड़ती है। तो अगर हमारे पास बेयरिंग 2 डिजिट्स में आ रही होती है तो हम एक स्टार्टिंग में नंबर ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 18 आंसर आ रहा है तो मैं 18 नहीं लिखूंगा, मैं 018 लिखूंगा ताकि ये 3 डिजिट्स हो जाए और मुझे पता चल जाए कि ये बेयरिंग है। तो बेयरिंग आर स्पेशल एंगल्स विच आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड आर रिटन इन 3 डिजिट्स। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि भाई नॉर्थ कैसे बनता है। तो नॉर्थ भी हमने देख लिया कि नॉर्थ हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होता है। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपको नॉर्थ ड्रॉ करना है उस पे आप जो है वो वर्टिकली अपवर्ड एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ बना दोगे जो आपका नॉर्थ बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये होता है कि भाई नॉर्थ बनाना किस पॉइंट पे। ठीक है, चलो अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं यहाँ ए एंड बी, वी हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी। फर्स्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। अब यहाँ ए भी नज़र आ रहा है, यहाँ मुझे बी भी नज़र आ रहा है, तो अब मैं नॉर्थ किस पे बनाऊँ, ए पे बनाऊँ नॉर्थ या बी पे बनाऊँ? तो उसके लिए हमने एक पॉइंट ये डिस्कस किया था कि ये जो फ्रॉम का वर्ड था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम के बाद जो भी अल्फाबेट लिखा हुआ है वी विल ड्रॉ आर नॉर्थ एट दैट अल्फाबेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पार्ट ए की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट ए में लिखा है ए फ्रॉम बी, तो नॉर्थ कहाँ पे ड्रॉ होगा? फ्रॉम देखूंगा मैं, और फ्रॉम के बाद जो अल्फाबेट मुझे नजर आ रहा है बी, तो मैं बी पे नॉर्थ बनाऊंगा जो कि ऑलरेडी ड्रॉन है। मैंने बी पे नॉर्थ पहले से जो है वो बना हुआ है तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, बी पे नॉर्थ बना हुआ है। और अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब मैं क्या करूँगा, इस नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूँगा, और कहाँ तक मूव करूँगा? वहाँ तक मूव करूँगा जहाँ तक मुझे वो लाइन नहीं मिल जाती जो ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो मैंने यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करना शुरू किया और मैं वहाँ तक आया जहाँ तक मुझे वो लाइन नहीं मिल गई जो ए और बी पॉइंट को
ज्वाइन कर रही है, तो वो ये वाली लाइन है ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो इसका मतलब है मुझे ये वाली रेड वाली बेरिंग जो है वो फाइंड करनी है। तो मुझे पता है कि भाई अगर मैं एक पॉइंट से घूम के वापस उस पॉइंट पे आता हूँ, मतलब एंगल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्रीज, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल जो है वो 360 है, इसमें से इतना पार्ट जो है वो 60 है, तो हाउ कैन आई फाइंड दिस रिमेनिंग पार्ट, आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट 60 फ्रॉम 360, 360 में से 60 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया दैट इज कमिंग आउट एज 300। तो ये जो रेड वाली आपको बेरिंग नजर आ रही है ये 300 डिग्रीज है, क्योंकि ये तीन डिजिट में, तो मुझे कोई जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, ठीक है, ए फ्रॉम बी की जो बेरिंग है वो 300 डिग्रीज आ रही है। सेकेंड पार्ट है आई हैव टू फाइंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, अगेन बी फ्रॉम ए, अब मैं नॉर्थ कहाँ बनाऊँ, तो मैंने आपको बताया था फ्रॉम के बाद वाले लेटर पे नॉर्थ बनाना है, तो ए लिखा हुआ है फ्रॉम के बाद, तो इसका मतलब है आई हैव टू ड्रॉ वर्टिकल लाइन एट ए, दिस इज माई नॉर्थ, ये मेरा नॉर्थ बन गया, और अब नॉर्थ बनाने के बाद आई हैव टू मूव इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और मुझे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करना है, कहाँ तक मूव करना है, वहाँ तक मूव करना है जहाँ तक मुझे वो लाइन ना मिल जाए जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो दिस इज दैट लाइन, वो ये वाली लाइन है, तो मुझे इसका मतलब है ये ब्लू वाली बेरिंग फाइंड आउट करनी है, और ब्लू वाली बेरिंग फाइंड आउट करने के लिए मैंने बेरिंग में एक कॉन्सेप्ट देखा था कि दो नॉर्थ, ये जो दो नॉर्थ हैं इनके दरमियान के जो एंगल्स होते हैं, इनके जो इनसाइड वाले एंगल्स होते हैं, दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो एक नॉर्थ मेरा ये रहा, एक नॉर्थ मेरा ये रहा, तो ये जो इनसाइड वाले एंगल्स हैं दोनों, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, मतलब इन दोनों का सम जो है वो 180 होगा, तो एक पार्ट जो है वो 60 है, तो अगला पार्ट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट 180, 180 में से 60 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास जो सेकंड बेरिंग आ गई दैट इज 120 डिग्रीज, क्योंकि ये वाला भी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था कि ये जो दोनों एंगल्स होते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इनसाइड एंगल्स जो होते हैं, जो दो नॉर्थ के दरमियान एंगल बनते हैं इनसाइड एंगल, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो अगर ये 60 है तो ये ऑटोमेटिकली 120 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनको जब ऐड करूँ तो 180 का सम आना चाहिए। तो द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज कमिंग आउट एज 120 डिग्रीज, तीन डिजिट में, इसलिए मुझे कोई जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरे पास 300 आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर मेरे पास 120 डिग्रीज आ गया। बेरिंग का ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें आपको बस सिर्फ ये होता है कि नॉर्थ ड्रॉ करना आना चाहिए, नॉर्थ कहाँ पे ड्रॉ होगा, तो वो मैंने आपको बता दिया, फ्रॉम के बाद वाला जो भी अल्फाबेट होता है उसमें नॉर्थ ड्रॉ करते हैं, और वहाँ से क्लॉकवाइज मूव करते हैं, वहाँ तक मूव करते हैं जहाँ तक वो लाइन ना मिल जाए जो दोनों अल्फाबेट्स को ज्वाइन कर रही है। अब जैसे यहाँ बी और ए है, तो इसका मतलब है वो लाइन जो ए और बी को ज्वाइन करी है, बी और ए को ज्वाइन करी है, वहाँ तक मूव करूँगा, और उसके बाद मेरे पास जो है वो एंगल एट अ पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट होता है 360 डिग्रीज वाला, या जो सप्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट था, मैंने इन दोनों को यूज़ करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू पाई चार्ट, एंड आई नो दैट पाई चार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं प्रोपोर्शन की मदद ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, क्वेश्चन ये था कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्क्ड इफ दे वांटेड अ लेटर स्टार्ट टू द स्कूल डे, वो चाह रहे थे कि मतलब उन्होंने एक सर्वे किया और सर्वे का जो डाटा था उसको पाई चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों से, बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा कि भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि स्कूल का जो दिन है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हो। द पाई चार्ट समराइजेज द रिजल्ट, 200 स्टूडेंट्स सेड नो, ठीक है 200 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने नो बोला, और ये जो नो वाले स्टूडेंट्स हैं ये 80 डिग्री, मतलब 80 डिग्री का रेशियो है, मतलब अगर आप पूरे पाई चार्ट की बात करें तो उसमें यस वाले जो बच्चे हैं वो देखो कितने सारे हैं, तो अगर ये पूरा का पूरा एंगल 360 है तो उसमें से अगर ये 80 हो गया तो बाकी वाला जो एंगल है वो 360 में से 80 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 280 डिग्रीज, ठीक है। तो 280 डिग्रीज जो है वो यस जो जो यस वाला पार्ट है, और 80 डिग्रीज वाला जो है वो नो वाला पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है वो हमसे कह रहा है, वर्क आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सेड यस, हमें ये वाले स्टूडेंट्स निकालने हैं कि जिन्होंने यस बोला है, ठीक है 200 ने तो नो बोल दिया, ठीक है। अब उसने हमें टोटल स्टूडेंट्स भी नहीं बताए, अगर टोटल स्टूडेंट्स बताते तो हम उसमें से 200 माइनस कर देते हमें पता चल जाता, उसने हमें टोटल स्टूडेंट्स भी नहीं बताया, हाँ उसने बस ये वाला एंगल बता दिया 80, तो हमने ये वाला एंगल पहले फाइंड आउट कर दिया 280। अब हम प्रोपोर्शन यूज़ कर लेते हैं कि ये जो 80 डिग्रीज है ये 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो 280 डिग्रीज है ये कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने उसी तरह कर लिया, 80 डिग्रीज इज रिप्रेजेंटिंग 200 स्टूडेंट्स, सो 280 डिग्रीज विल रिप्रेजेंट एक्स स्टूडेंट्स, और चूंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 80 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 280 को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो आई हैव टू शिफ्ट दिस 80 ऑन द अदर साइड, तो x विल बी इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय 280 डिवाइडेड बाय 80,
सिंस ये पेपर वन का है तो कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, आई हैव टू डू द वर्किंग बाय माई सेल्फ, नो कैलकुलेटर इज अलाउड, ये जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट कर दिया, एंड 4 टाइम्स 2 इज 8, 4 टाइम्स 50 इज 200, एंड अगेन 2 टाइम्स 1 इज 2, एंड 2 टाइम्स 14 इज 28, सो नथिंग इज इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, न्यूमरेटर में मेरे पास 50 और 14 बचा, तो 50 और 14 को मल्टीप्लाई करना है, तो 14 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 70, और चूंकि ये एक जीरो है तो इसका मतलब है 70 में एक जीरो ऐड कर देंगे, तो एक्स का आंसर जो है वो मेरे पास 700 आ गया, तो 700 इज द आंसर ऑफ एक्स। 700 स्टूडेंट्स ने येस बोला, 200 स्टूडेंट्स ने नो बोला, तो इसका मतलब है कि टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 900 होंगे, अगर वो हमसे पूछता तो हम इसका भी आंसर दे देते। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें उसने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, उसने खुद बताया कि ये वाला जो है ये क्वाड्रिलेटरल है और ये जो है वो रेगुलर ऑक्टागोन है। ऑक्टागोन का मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसमें मुझे कुछ साइड्स नज़र आ रही हैं और ये फिगर कंप्लीट नहीं है, उसने यहाँ फिगर छोड़ दी है। रेगुलर ऑक्टागोन का मतलब है कि भाई उसकी सारी साइड्स जो है ना वो बिल्कुल बराबर बराबर होंगी, और अगर सारी साइड्स बराबर हैं तो इसका मतलब है कि सारे इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो भी बिल्कुल बराबर होंगे, इसीलिए इसने उसको रेगुलर ऑक्टागॉन बोला है। ऑक्टागॉन मीन्स ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 8 साइड्स हैं, ऑक्टागॉन हो गया, और रेगुलर का मतलब है कि उसकी सारी साइड जो 8 साइड्स हैं उनकी लेंथ बराबर होगी, तो इफ़ द लेंथ सारी की सारी लेंथ बराबर है तो इसका मतलब है ऑल द इंटीरियर एंगल्स विल ऑल्सो भी इक्वल, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर ऑक्टागॉन। तो दिस इज एन ऑक्टागॉन 8 साइडेड फिगर, एंड दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड द क्वेश्चन इज वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स, हमें एक्स की एक इक्वेशन बनानी है, एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट फॉर एक्स, हमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्वाड्रिलेटरल में वी नो 3 एंगल्स, हमें 3 एंगल्स तो पता है लेकिन एक एंगल नहीं पता, तो हमें सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं रेगुलर ऑक्टोगॉन वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। आई नो दैट इन अ रेगुलर ऑक्टोगॉन ऑल द एंगल्स आर इक्वल, सो इफ दिस इज 135 दिस विल ऑल्सो भी 135, एंड सिंस आई नो दैट ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस कम्प्लीट एंगल फ्रॉम हेयर टिल हेयर विल बी इक्वल्स टू 180, ये स्ट्रेट लाइन एंगल हो जाएगा जो कि 180 के बराबर है, दिस इज 135, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, फिर मैं 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो आई विल गेट दिस एंगल विच इज इक्वल्स टू 45। नाउ आई नो द 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स मुझे पता चल चुके हैं, अब मुझे उसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन की 2 साइड्स होती हैं, एक साइड पे तो सारे इंटीरियर एंगल्स आ जाएंगे, दूसरी साइड पे क्या आएगा, तो मुझे पता है कि क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्रीज होता है। वो मुझे कैसे पता चला, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का, वो क्या होता है, n-2 × 180, एन इज बेसिकली द नंबर ऑफ साइड। आपको मैं कोई भी पॉलीगॉन दूँ और मैं बोलूँ कि भाई इसके इंटीरियर एंगल का सम निकालो, तो आप इस फॉर्मूले से जो है वो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। n-2, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स हैं, तो 4-2 कितना हो जाएगा 2, और 2 को जब मैं 180 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट 360। इसका मतलब है क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है दैट इज इक्वल टू 360। तो मुझे इक्वेशन बनानी है, तो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट ऐड दीज 4 एंगल्स एंड आई विल जस्ट इक्वेट देम विद 360। दिस इज 45 प्लस 3x प्लस 103 प्लस x प्लस 20 इक्वल्स टू 360। दिस इज द इक्वेशन ऑफ x। Now I have to find the value of x. For that I have to add the like terms. So 3x plus x is 4x, and 45 plus 103 plus 20 will give me 168. 168 I have to shift this 168 on the other side. Ye subtract ho jayega. 360 mein se subtract kiya 168, so I will get 192. And this is 4x. I have to find the value of x. So I have to shift this 4 on the other side. ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 192 डिवाइड बाय 4, द वैल्यू ऑफ एक्स इज कमिंग आउट एज 48 डिग्रीज। ये एक्स की वैल्यू भी आ गई और ये मैंने इक्वेशन भी बना दी। इक्वेशन के भी मार्क्स होंगे क्योंकि उसने बोला है फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स, तो इक्वेशन के भी मार्क्स होंगे और फिर एक्स की वैल्यू निकालने के भी मार्क्स होंगे। तो ये एक क्वेश्चन था, पेपर वन टाइप का क्वेश्चन था जिसमें उसने जो है वो आपसे 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उसने आपको बेयरिंग भी जो है वो पूछ लिया आपसे, और उसने आपसे क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट देके, ऑक्टागॉन का कॉन्सेप्ट देके, इंटीरियर एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट देके एंगल की वैल्यू भी निकलवा ली, और उसने पाई चार्ट में आपको मिसिंग वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए दे दी। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी इंशाल्लाह, और मैंने तुम लोग के साथ पहले भी मैंने यही बोला था कि क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं,
तो जस्ट ट्राई दीज क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करो इंशाल्लाह। कोई नहीं सॉल्व होता तो ज़रूर जो है वो मुझे बताना। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। अंटिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।